एग्ज़ाम अपडेट में आप लोगों के इस वीडियो में एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है रेलवे एनटीपीसी का हुआ था अलग अलग लेवल वाइज, तो मैं लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 का रिजल्ट अपडेट मैं बता दूं। ऐसे तो रिजल्ट जो इसके पहले लेवल 6 वगैरह के एग्ज़ाम्स हुए थे उनका रिजल्ट लगभग 54 दिन यानी कि 54 दिन बाद ही आ गया था। तो ऑलमोस्ट इसमें भी हो सकता है कि 15 जुलाई तक रिजल्ट आ जाए नियर अबाउट, क्योंकि उतने टाइम में रिजल्ट पहले आ चुका है, पब्लिश हो चुका है। तो लेवल 4, 5, 2 सॉरी लेवल 3, 2, 5 का रिजल्ट जो है जैसे ही आ जाता है वैसे नेक्स्ट स्टेज का जो सी बैट एग्ज़ाम है, कुछ कुछ का साइको एग्ज़ाम है, जैसे गुड्स गार्ड में है तो उनका सी बैट एग्ज़ाम एक सी बैट एग्ज़ाम है, और जो लोको पायलट के अलग कैटेगरी का वैकेंसी था कुछ में सी उसमें साइको है, और जो ज़्यादातर कैटेगरी के हैं जूनियर कम टाइपिस्ट वगैरह हैं उनमें सितंबर उनका जो है सितंबर में टाइपिंग टेस्ट भी होना है, क्योंकि अगस्त में ग्रुप डी के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, सितंबर में लगभग एंड तक हो सकता है टाइपिंग टेस्ट करा लिया जाए नियर अबाउट, क्योंकि जो टाइपिंग है वो बहुत लंबा प्रोसेस नहीं होता है, कम ही बच्चों का होना होता है, फाइनल 1:1:3 का ही टाइपिंग होना है, तो टाइपिंग में ज़्यादा समय नहीं लगता। और मैं आप लोगों को बता दूं टाइपिंग में जो भी टूल्स यूज़ किए जाते हैं वो TCS के खुद होते हैं। वैसे मैं बता दूं जिनको भी टाइपिंग सीखना है स्टार्टिंग बेसिक से, तो वो टाइप मास्टर से सीखे, क्योंकि टाइपिंग मास्टर जो है वो बेसिक से सीखने का एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसमें बेसिक से बताया गया है, स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा रहा हूँ, टाइप मास्टर 11 है मेरे पास, अपडेटेड वर्जन है, तो इसमें आप देख सकते हैं की वगैरह बताया गया, और देख सकते हैं टाइप मीटर भी इसमें बताता है, साइड में एक मीटर आ जाएगा उसमें आप देख पाएंगे अपना क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए इसमें जो भी 10 फिंगर्स हैं उनका सारा का इस्तेमाल स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। ASDF पहले आप रखा जाएगा, आपकी जो बाएं हाथ की उंगलियां हैं चारों, इसके बाद फिर दाहिने हाथ की जो उंगलियां हैं JKL और सेमी कॉलन के ऊपर रखा जाता है, स्टेप बाय स्टेप इसमें सिखाया गया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं नेक्स्ट वीडियो की एक सीरीज लेके आने वाला हूँ जिसमें स्टेप बाय स्टेप टाइपिंग खुद से कैसे सीखें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं आप टाइप मास्टर 10 ही डाउनलोड करें, बेस्ट एप्लीकेशन है। और इसमें जो स्पेस की लॉक किया जाता है वो पर्सनली लॉक किया जाता है, आप लॉक खुद कर सकते हैं सिस्टम में जाके, इसलिए देख सकते हैं इसमें कोर्स चेंज कोर्स कोर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, टाइमिंग भी दिया गया है, और देख सकते हैं इस तरह से ASDF यानी कि आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे इसमें, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वैसे मान के चलिए आपके पास अगर 3 to 4 months है, अगर आपके पास टाइम मिल सकता है तो आप बहुत अच्छी टाइपिंग सीख सकते हैं। अगर आपको जल्दी ही सीखना है तो आप बिल्कुल ज़्यादा टाइम दीजिए, जिस तरह से आपका रिक्वायरमेंट है, जैसे 54 डेज हो सकता है, 45 दिन तो मिनिमम मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि जो SSC CCLS का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 45 दिन मिला था टाइपिंग टेस्ट के लिए, तो उतना टाइम तो आपको रेलवे NTPC में भी मिलना है, तो आसान है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बच्चे पैनिक हो जाते हैं, देख सकते हैं इसमें स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट करते जाएंगे आपको सारी जानकारी मिलेगी। और आप यहाँ से बिल्कुल ये चीज़ देखिए, एक्यूरेसी आपकी जो है 95% होनी चाहिए, तो आप 98% लगा के ही टाइपिंग करें मेरी अगर माने तो, क्योंकि अगर आप एडवांस रहेंगे तो ही आपका जो है इस तरह से होता है, अगर आप एडवांस में रहेंगे तभी आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि बच्चे वहाँ पे ऐसे ऐसे भी होंगे कि जो 98% 99% एक्यूरेसी के साथ होंगे, तो इस तरह से आप भी अगर एडवांस में आप सीखे रहेंगे तो आपके लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर सभी बच्चे लो कैटेगरी के आए, सभी बच्चों का हो सकता है कंप्लीट तैयारी हो, इसलिए आप भी पूरा कंप्लीट तैयारी रखें, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम है जो NTPC में टाइपिंग टेस्ट है, जूनियर कम क्लर्क टाइपिस्ट का जो एग्ज़ाम है उसमें ये टाइपिंग टेस्ट ही फाइनल है, टाइपिंग के बाद आपको फाइनली सिलेक्शन के लिए एक मेरिट बनेगा जिसके बेस पर आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसमें कोई कमी ना रखें। और क्योंकि अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो आप अगर अभी से प्रिपरेशन करते हैं तो 45 डेज में आप
मैक्सिमम 45 डेज चाहिए। अगर आपको पर डे आप 2 से 3 घंटा अगर दे रहे हैं तो आपको 45 डेज में आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा टाइपिंग टेस्ट। और मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है आपका मैं बता दिया तैयार हो जाएगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को कल कीबोर्ड भी दिखाऊंगा किस तरह से स्टेप बाय स्टेप टाइपिंग करना है, ये चीज़ भी बताऊंगा। तो आप बिल्कुल चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो देखकर मेरा जिस तरह से आपका रिस्पॉन्स हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं कल ही स्टेप बाय स्टेप वीडियो जो मैं बता रहा हूँ डालने के लिए, तो मैं कल अपना कीबोर्ड दिखाऊंगा, सिस्टम दिखाऊंगा किस तरह से बैठना है, 90 डिग्री पर ही बैठना है आपको, और फिर कितने एक्यूरेसी पर आपको स्टार्ट करना है। और ये कोई तुक्का लगाने का कोई ट्रिक नहीं होता। आप यूट्यूब पे देख लीजिए आपका 5 दिन में टाइपिंग स्टार्ट, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना फिजिकल अपनी उंगलियों को दौड़ाएंगे, मेहनत करेंगे, उतना ही आपको लाभ मिलने वाला है, क्योंकि ये फिजिकल चीज़ है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा होगा। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आप जल्दी से सीख लेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको आएगा और 5 मिनट में सिखा के घर घर चला जाएगा कि आप टाइपिंग सीख जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। टाइपिंग सीखने के लिए आपको बतौर टाइम देना पड़ेगा 45 डेज। जैसा कि आप किसी भी साइबर कैफे जाएंगे तो आपका 45 दिन का या फिर 30 दिन का एक कोर्स होता है, जिसमें रेगुलर आपको रेगुलर बेसिस पे आपको 4 से 5 घंटे का ट्रेनिंग दिया जाता है। और वहाँ पर कई बच्चे होते हैं, बिल्कुल सभी को नंबर नहीं मिल पाता है, तो स्टेप बाय स्टेप बच्चों को बुलाया जाता है शिफ्ट वाइज। तो इसलिए अगर आपके पास सिस्टम है तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं। नहीं भी सिस्टम है तो भी आप जो है कहीं साइबर कैफे पे जाके सीख सकते हैं। वैसे अब टाइप मास्टर फ़ोन बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन्स हैं जिनके पास, जैसे कि अच्छे बड़ी स्क्रीन के फ़ोन्स हैं, टैबलेट हैं, तो आप बिल्कुल टैबलेट सपोर्टिंग कीबोर्ड ले आइए, अपने फ़ोन में सपोर्ट कर आपके फ़ोन में बिल्कुल सपोर्ट करेगा। आप वहाँ से बैठ के अपने फ़ोन में भी टाइपिंग सीख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ज़रूरी नहीं आपके पास लैपटॉप हो, अच्छा फ़ोन है तो आप फ़ोन में भी टाइपिंग सीख सकते हैं, क्योंकि फ़ोन में भी सपोर्ट करने के लिए कई जो है कीबोर्ड्स आते हैं जो सपोर्ट करते हैं। और बिल्कुल ये फिजिकल चीज़ है। इसमें आप अगर सोच रहे हैं कि आपको कोई आएगा जल्दी जल्दी सिखा के चला जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको खुद सीखना पड़ेगा। और टाइपिंग एक ऐसी चीज़ है, आपकी एक स्किल है, आपको अगर आप सीख लेते हैं तो आप इस स्किल को हमेशा करते रहेंगे तो ठीक है। अभी मेरी कुछ टाइम पहले जो स्पीड थी वो 25 वर्ड थी, यानी 25 वर्ड थी। इस टाइम पे मेरा खुद का जो स्पीड है वो लगभग 15 से 16 वर्ड रह गया। तो ये फिजिकल चीज़ है, आप जितना इस पे प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा वर्क करेंगे उतने ज़्यादा आपका जो है ग्रो होगा। इसलिए मैं बता दूं कि आप अगर शुरू करना चाहते हैं, अगर आपने NTPC का एग्ज़ाम दिया है, सेकेंड स्टेज एग्ज़ाम दिए हैं, तो ऐसा मत समझिए कि आपका कम नंबर आएगा। आप टाइपिंग का तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लीजिए नहीं होगा तो आपका टाइपिंग बेकार जाएगा। एक टाइपिंग एक ऐसी स्किल है, अगर आपको आ जाता है तो आप SSC CHSL प्राइवेट जॉब में कोई भी जॉब करने जाएंगे, टाइपिंग के अगर आपको आ रहा है तो आपको थोड़ा इजी वर्क मिल जाएगा। आप किसी भी सेक्टर में जाना चाहेंगे तो आपको कंप्यूटर का जानकारी जिस तरह से होना अनिवार्य हो गया है ज़्यादातर सेक्टर्स में, उसी तरह से अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज मांगा जा रहा है तो बेसिक सी चीज़ है कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कोई पूछेगा नहीं कि आपको टाइपिंग आती है क्या। अगर जिसमें CCC मांगा गया, CCC का मतलब यही होता है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।